ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की नाबाद 96 रन की पारी के दम पर बांग्लादेश ने दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 3 विकेट से करारी शिकस्त दी। बांग्लादेश ने दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 5 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त हासिल की। बांग्लादेश के सामने 241 रन का लक्ष्य था, जिसे उसने आखिरी ओवर में हासिल किया। उसने 7 विकेट पर 242 रन बनाए। अनुभवी शाकिब अल हसन ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नाबाद 96 रन बनाए। पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे, जिससे वो बांग्लादेश की तरफ से वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। इतना ही नहीं, शाकिब ने दूसरे वनडे मैच में 109 गेंद पर 96 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल रहे। बांग्लादेश के इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी के दौरान 10 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट भी लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में शाकिब ने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें, शाकिब अल हसन इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट और 12,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के केवल दूसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। शाकिब से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कमाल साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस ने किया था। जैक कैलिस ने अपने इंटरनेशनल करियर में 577 विकेट लिए और साथ ही 25,534 रन बनाने में सफल रहे थे। अब तक शाकिब ने इंटरनेशनल करियर में 12,070 रन बनाए हैं और 583 विकेट चटका चुके हैं। आपको बता दें, दूसरे वनडे में शाकिब ने 9वें नंबर के बल्लेबाज मोहम्मद सैफुद्दीन के साथ 59 रन की अटूट साझेदारी की, जिससे बांग्लादेश लक्ष्य तक पहुँच पाया। आपको बता दें, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा वनडे मंगलवार 20 जुलाई को खेला जाएगा।